सबसे पहले मैं अर्जुन मल्होत्रा जी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही कीमती समय निकाल के आज हमारे बीच में हमारे स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी बताने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए आज आए हैं। हमारे कॉलेज से निकले हुए व्यक्ति ने, अर्जुन मल्होत्रा साहब ने, बिजनेस की दुनिया में, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाया। एक रिक्शा वाला भी एंटरप्रेन्योर है, एक पान वाला भी एंटरप्रेन्योर है, हर आदमी, हर एक को धंधा करना आता है हमारे देश के अंदर। लेकिन कुछ ना कुछ हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम से जितना प्रोडक्ट निकलता है वो बाहर निकलने के बाद सबसे पहले नौकरी ढूंढता है। इस माइंडसेट को हम बदलना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जब वो स्कूल में होते हैं उसी वक्त हम उनको उस डायरेक्शन में सोचने के लिए इंस्पायर करना चाहते हैं कि भाई आपको निकलने के बाद अब नौकरी ढूंढनी नहीं है, आपको निकलने के बाद कुछ ना कुछ अपना काम शुरू करने की सोचनी है। यू हैव टू बिकम जॉब गिवर रादर देन अ जॉब सीकर। ऑल्सो लाइक टू लिसन टू व्हाट मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा हैज टू से। थैंक यू। मेरे अंकल रान, जो बाकी फैमिली थी, उन्होंने काफी बोला कि मत करो, एक क्यों करना चाहते हो, जिंदगी इस फैमिली में किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया है, आप कौन हो कि आप समझते हो आप बिजनेस करते हो। तो उन्होंने बहुत डिस्करेज किया, बट मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, अगर यही करना है आपने तो करो। तो 2-3 साल बाद जब कंपनी ठीक चली तो वही अंकल आंट ने सबने क्रेडिट लिया कि हाँ, हमने बोला था ना कि तुम्हारा लड़का ठीक करेगा। कि हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर राउंड में। सर, माय नेम इज पुष्पा एंड आई एम फ्रॉम आरपीबीबी आईएनए कॉलोनी। सर, माय क्वेश्चन इज दैट इन योर लाइफ व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फियर एंड हाउ डू यू मैनेज योर फियर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन पुष्पा, आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। माय ग्रेटेस्ट फियर इज इफ आई गेट समवन अपसेट विदाउट मीनिंग टू गेट समवन अपसेट। वेरी गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज राज शर्मा फ्रॉम आरपीबीबी हरिनगर। सर, माय क्वेश्चन इज दैट you spent a fair amount of your life, your teenage life, with your maternal grandfather who is a scientist too. What was his impact on your mindset and how he idealized him? उन्होंने ये मेरे को सिखाया और मैं वहां से ये सीखा कि मैथ में जब मैं कभी मैथ टेस्ट के लिए जाता हूँ, मेरे दिमाग में होता है कि मेरे को 100% मिलना चाहिए, मेरा राइट है इस मैथ टेस्ट में मेरे को 100% मिलना चाहिए, अगर नहीं मिले तो मेरी गलती है, मैं कोई केयरलेस मिस्टेक। सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि किस टाइम आपने, ऐसा क्या पॉइंट आया लाइफ में जब आपने सोचा कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? हमने कभी भी पॉलिटिक्स में आने का सोचा नहीं था। तो मेघा, अगर आपको याद हो कि अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसको अन्ना हजारे जी ने लीड किया था, तो हमारा तो सपना था कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हमारे देश में इतने भ्रष्टाचार होते हैं, किसी को सज़ा मिलती नहीं है। तो उसके लिए एक जन लोकपाल बिल हमने सबने मिलके बनाया था, पूरे दुनिया के बाकी कंट्रीज़ को स्टडी करके, और हमने सरकार को, उस टाइम की सरकार को बोला था कि आप इसको, कानून को पास करिए। और सरकार ने, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लाखों लोग सड़कों पे उतरे, लेकिन उस वक्त की सरकार ने उसको पास नहीं किया। तो हम कुछ लोगों ने फिर मिलके ये पार्टी बनाई और फिर राजनीति में हमने आने का निर्णय लिया। तो जो हम राजनीति में आए, ये एक तरह से हालात की मजबूरी थी कि हम लोग राजनीति में आए, नहीं तो एक आम आदमी की तरह हम लोग भी जी रहे थे। हमें भी कभी इस जिंदगी में नहीं सोचा था कि पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अर्जुन जी से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरह की बाधाएं आती हैं जब नया काम करना शुरू करते हैं, खासतौर से ऐसा काम 77 में जब लोग कंप्यूटर शब्द नहीं जानते थे, उस वक्त आपने कंप्यूटर बनाना शुरू किया लोगों के लिए, कई साल तक आपने स्ट्रगल किया, ये हमारे इन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़रूरी होगा सर, उस जर्नी से कुछ चीज़ें जानना, अगर आप वो शेयर कर सकें बच्चों के साथ। तो जब हमने अपना पहला कंप्यूटर बनाया, 8-bit कंप्यूटर, तो हमारा सिस्टम यह था कि आप चेक लेके आइए हमारे फैक्ट्री में और हम आपको कंप्यूटर दे देंगे और आप फिर आप बोलेंगे हाँ ये ठीक है, फिर हम इसे पैक करके आपको कंप्यूटर शिफ्ट कर। हम कंप्यूटर पैक कर रहे थे, किसी ने बोला आपने अपना एक्साइज दे दिया, तो
हम इतने नादान थे कि हमें पता ही नहीं था कि एक्साइज क्या थी। तो हमने एक्साइज इंस्पेक्टर को बुलाया, उसने कहा भाई इंडिया में तुम कुछ भी बनाते हो तो गवर्नमेंट को प्रोडक्शन टैक्स देना पड़ता है, उसका नाम है एक्साइज। उस वक्त सैटरडे को हाफ डे होता था, आई थिंक फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ होता था, बाकी हाफ डेज होते थे। तो मेरे को याद है सैटरडे को हमने जाके प्रेजेंटेशन दिया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को। हमें जवाब मिला कि माइक्रो प्रोसेसर पॉलिसी अभी नहीं बनी है, उसको लगेंगे 4 साल, आप 4 साल बाद आइए, फिर हम ये चिट्ठी लिख के फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजें। जब आप कुछ करना चाहते हो, एज लॉन्ग एज आप लीगली करते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एटलीस्ट मेंटली यू कांट एक्सेप्ट दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो वो जरूर हो सकता है। अर्जुन जी के लिए पहला क्वेश्चन यहाँ से उर्मिला जीतू का है, जो वो पूछना चाहती है कि मैं अपने पापा का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो क्या आप कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं? अगर आप सॉफ्टवेयर से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिफरेंशिएट कर लें, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख के या ऐप हो या जो भी हो, तो बिजनेस चेंज हो सकता है, आप कमोडिटी को डिफरेंशिएट कर सकते। अर्जुन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे बच्चों को इतना अच्छा अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो आज आपके पूरे इंटरेक्शन के दौरान बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे बच्चों को सीखने के लिए मिली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी हम आपको बुलाते रहा करेंगे जब भी समय समय पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वी आर रियली रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम।